सबको मैं सुन रहा था, पिछले 2 घंटे से बैठे हैं और सबको एक बार फिर आज सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई हैं सबको देखने के बाद, सबकी टॉक सुनने के बाद, डिफरेंट क्वेश्चंस। और ये जो आपने मेरे से पूछा है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ मगर मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मेरे को ये लगता है कि जैसे ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि नेचर जो है ना, नेचर तो बड़ी इम्पार्शल है। नेचर कभी किसी के साथ ये नहीं करती कि ये एमपी सिंह को ज्यादा रिजल्ट दे देगी, मेरे को कम। सेम इट्स कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। जितना कॉज करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही रिजल्ट आने वाला है। देयर इज समथिंग प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल समथिंग। ये है कि किसी को पहले मिल जाएगा रिजल्ट, किसी को बाद मिल जाएगा, मगर ये होता नहीं कभी। जिन लोगों को ऐसे लगता है कि मैं काम बहुत कर रहा हूँ, मैं बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहे हो किस डायरेक्शन में कर रहे हो? रॉन्ग डायरेक्शन में जितना मर्जी हार्डवर्क करते रहो, रेलवे के इंजन में इतनी पावर होती है, अगर उसको रेल की लाइनें से नीचे गिरा दो पैलियों खेतों में, वो तो खुद भी टूट जाएगा, लोगों को भी तोड़ देगा। क्या ये बड़ी पावर थी उसमें? मतलब काम तो आई नहीं कुछ। तो ताकत अगर लगानी है, अगर मेहनत करनी है, तो ट्रैक के ऊपर रहेगा। ट्रैक कौन सा है? जो ब्रेटवर्ड वाइट का ट्रैक, जो बेसिक्स है हमारे। अगर हम बेसिक्स में रह के और अपनी जो मेंटल कंपस है हमारी, जैसी शिप की कंपस होती है तो नॉर्थ पोल पे ऐसे टिकी रहती है, उसको पकड़ के हिला भी दो मगर वो फिर वाइब्रेट करके अपने नॉर्थ पे चली जाती है, कभी नॉर्थ का पीछा नहीं छोड़ती, तो शिप को रास्ता मिल जाता है। अगर हमारी सुई पता नहीं किधर घूमी पड़ी है, सुई खराब है हमारे दिमाग की, हमारी, समझ रहे हो ना, हमारा फोकस जो हम बिजनेस जब करते थे, अब करते हैं, तो हमारे अंदर एक गोल फिक्स है, हमारी सुई वहां टिकी पड़ी है, ऑलवेज हिलती नहीं कभी भी। तो अगर वो सुई खराब है, घूमती फिर रही है कभी इधर उधर, शिप तो इधर उधर हो जाएगा लहरों में, तो फिर हम कंप्लेन करेंगे। जब कोई आता है अपलाइन के पास कि मैं, वो पता नहीं, वो कंप्लेन करने आता है कि सलूशन लेने के लिए आता है, वो सोच रहा है मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, तो चलो चलते हैं अपलाइन की क्लास लगाते हैं। हमारे तो हमें तो कभी दिमाग में नहीं आई ऐसी बात। डॉक्टर ब्रैच कहते हैं पंजाब में, हम सुनते रहते हैं इनको, कि सिर्फ एक तरीका है जिसमें रिजल्ट ना आए, अगर एक मरा बंदा 100 जिंदा लोगों को बिजनेस दिखाए, या एक जिंदा बंदा 100 मरे बंदों को बिजनेस दिखाए। ये दो सिर्फ अल्टरनेटिव है, ऑप्शन जो है, जिनमें ये क्वेश्चन जो है सेट हो सकता है, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता कभी। तो ये जो है, जो लोग काम करेंगे, ढंग से काम करेंगे, अगर उनका उनकी विजन सही है, उन्होंने एक अपनी डायरेक्शन निर्धारित कर रखी है कि मुझे यहाँ जाना है, जैसे बंदूक है, बंदूक की चैम्बर में जब गोली फटती है तो इट्स लाइक एक्सप्लोजन, ये तो 360 डिग्री पे होता है एक्सप्लोजन, पर वो गोली सीधी को जाती है बैरल में, क्योंकि उसको रास्ता ही कोई नहीं और निकलने का, फोर्स बहुत है उसके पास मगर उसको कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है बैरल के थ्रू, तो उधर को चली जाती है और टारगेट को हिट करती है। ऐसे ही हमारा माइंड जब फोकस नहीं है, जब हमारी एनर्जी जो है वो चैनलाइज नहीं है, तो इधर उधर बिखरी पड़ी है, you are trying to change many rabbits at the same time, all will escape. तो बंदे को कई बार ये लगता है कि मैं काम तो बहुत कर रहा हूँ मगर मेरे को रिजल्ट नहीं आते, तो उसको मैं कहता हूँ लिख देना चाहिए, प्रॉब्लम रिटर्न और प्रॉब्लम डिफाइंड इज प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को लिख लो ना, एक बार डिफाइन कर लो, डिफाइन का मतलब कि आप उसको परिभाषा बंद कर लो। हमारे घर में एक बार 2 डिस्ट्रीब्यूटर आए, हस्बैंड एंड वाइफ, बहुत लड़ रहे थे, इतने लड़ रहे थे, वाइफ बोल रही थी कि मैं तो छोड़ के घर मायके जा रही हूँ, और हस्बैंड ऐसे वो इतना लड़ाई कर रहे थे, ये नहीं करती, वो कहता है ये नहीं करती, ये मेरा फोन छीन लेती है जी। मैं कहा ऐसे करो, मैंने दोनों को एक एक पेज दे दिया, मैं कहा आप, वाइफ को बोला कि आप 5 ऐसे पॉइंट लिखो जो ये बहुत जबरदस्त गलत करता है आपके साथ, और एक पेज उसको दे दिया कि आप भी 5 पॉइंट लिखो जो ये आपकी वाइफ आपके साथ बड़े हर्टिंग और गलत करती है, और आप देखना, दोनों ने पेन जो थे ऐसे मुंह में डाली है और सोचने लगे भी लिखें क्या यार, था ही नहीं कुछ लिखने को, छोटी छोटी ट्रिफल्स। तो अगर हमारे पास कुछ लिखने को होता है, अगर वही बंदा जो मेरे पास आया कह रहे मांगड़ जी मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, कई बार लगता है कि बहुत काम कर रहा है, तभी हमें डायरी लिखनी चाहिए। हम लोगों को कहते हैं कि अपनी डायरी लिखो यार,
एक डायरी मेंटेन करो, एक लिखो उस पर क्या काम किया है। जब लिखना शुरू किया पता है लगा कि पिछले 10 दिन में एक भी प्लान नहीं दिखाया, काम बहुत कर रहा हूँ यार मैं तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसा मैं तो एग्री नहीं करता, ये तो नेचर का सिस्टम है। और जो अगर हम फोकस्ड हैं, अगर एक हमारे अंदर एक साइलेंट विजन रहती है, एक तो ये होती है ना, हम बोलते हैं कि आई एम डायमंड, आई एम गोइंग क्राउन बेस्ट, एक नहीं, एक सुते सिद्ध हमारे अंदर एक म्यूजिक चलता रहता है कि हमारा फ्यूचर क्या है और हम किधर लैंड करने वाले हैं, सुते सिद्ध अनकॉन्शियस। और वो जो चीज है ना, वो हमारे लिए एक रास्ता तैयार कर रही होती है जिधर को हमारी लाइफ जो है जिसको फॉलो करती है, हमें पता भी नहीं चलता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ सीक्रेट यही है कि वो जो विजन है एक अंदर सुते से एक साइलेंट थॉट्स हैं जो हमारे, अगर वो सही है तो हम उसके ऊपर चलते 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 अपनी डेस्टिनी को पा लेते हैं। और बाकी तो इट्स जस्ट ब्लेमिंग मेंटेलिटी कि वो बंदा काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो यार और करो और करो और करो, कभी हो ही नहीं सकता, रिजल्ट भी आएंगे, जट तो आएंगे। आप थोड़ा सा काम करके रुक जाओ, यार मेरे को तो रिजल्ट नहीं आ रहे, तो चलो काम बंद कर दे और जाके तो अपना इनको पूछते हैं जाके। हमने तो नहीं ऐसा किया, हम तो चलते, भगवान को जब पता चल जाता है ना कि ये बंदा नहीं रुकने वाला, वो सोचता है इसको जल्दी निपटा दो यार, इसको डायमंड बना दो, ये हटने वाला नहीं है। और जो बार बार कंप्लेन करता है ना, उसको भी पता चलता है कि इसने करना कराना कुछ नहीं है, कंप्लेनिंग वाला ही है। और जब एक और बात साइकोलॉजी की कि जब हम कोई काम करते हैं, मे बी प्लान दिखाते हैं, स्पॉन्सरिंग करनी है या सेल करनी है, तो हमारे अंदर जैसे जैसे नो बढ़ती जाती है, रिजल्ट नहीं आया, फिर प्लान दिखाया रिजल्ट नहीं आया, फिर प्लान, फ्रस्ट्रेशन आने लग जाती है नए बंदे के अंदर। वो फ्रस्ट्रेशन की एक जब एक्सट्रीम हो जाती है, जब वो बंदा बिल्कुल ऑन द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग डाउन, तभी उसके रिजल्ट आने वाले होते हैं, तभी उसका वो पॉइंट आ गया जहां पे उसको ब्रेक थ्रू मिलना है। जैसे वही सोने की खानों वाले ने किया था, डेल कार्नेगी की बुक नहीं, सॉरी नेपोलियन हिल वाली, गोल्ड माइन वाली, कि 3 फुट पहले छोड़ दिया उसने और वहां दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान मिल गई क्योंकि वहां क्विट कर गया। तो जैसे बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, फ्रस्ट्रेट और फ्रस्ट्रेट होता 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 होता, जब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, नाउ इट्स द टाइम टू ब्रेक द स्टोन, अब वो पत्थर टूटने का टाइम आ गया। और अगर वो एक स्टेप और एक शॉट और लगा देगा तो ही विल गेट रिजल्ट। और जैसे एक बॉलर को इतना जोर लगाता है मगर विकेट नहीं मिल रही, विकेट नहीं मिल रही, चौके छक्के बाज रहे हैं उसको, और कभी ऐसा नहीं होता, दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको कभी विकेट ना मिली हो, और दुनिया का कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको कभी शक्के ना पड़े हो। तो जो लगा रहेगा उसका सक्का लगेगा, तो विकेट मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि वाइफ भी थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव इस पे बात करे कि जो लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए। माय वाइफ।